मिनोक्सिल आफ्टर एंड बिफोर बियर्ड ग्रोथ ट्रीटमेंट। अगर आप मिनोक्सिल यूज करोगे आपकी बियर्ड पर तो पहले क्या दाढ़ी रहेगी और जब आप उसको कंटिन्यू 1-2 महीने लगाओगे तो क्या दाढ़ी का रिजल्ट रहेगा, क्या कुछ दाढ़ी की ग्रोथ होगी, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप में से बहुत से लोग मिनोक्सिल का यूज़ करना चाहते हैं, चाहे वो बियर्ड पर हो चाहे वो सिर के बालों पर हो, क्योंकि उससे दाढ़ी और बालों की ग्रोथ होती है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन 3 महीने में या उससे पहले दाढ़ी की ग्रोथ कैसी होती है, जैसे कि आपको फर्स्ट इमेज इस साइड दिख रही है, तो ये भाई है, इन्होंने कंटिन्यू बियर्ड पर मिनोक्सिल यूज़ किया। तो मिनोक्सिल यूज़ किया तो मिनोक्सिल क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, उसमें केमिकल होता है जो कि आपके हेयर की ग्रोथ करने में आपकी हेल्प करता है। तो कंटिन्यू हफ्ते में 2 से 3 बार उन्होंने लगाया और लगाया कम से कम 2 महीने कंटिन्यू लगाया। 2 महीने बाद उनके जो फेस के बाल हैं, जो पहले की जो बियर्ड थी पतली पतली, जो पतले पतले बाल थे वो मोटे होने लग गए और जहाँ पर बाल नहीं थे वहाँ पर नए बालों की ग्रोथ होने लग गई। तो इस तरीके से मिनोक्सिल जो होता है वो नए बालों की भी ग्रोथ करता है, साथ में अगर आपके बाल जो ऑलरेडी हैं उसको मोटा करता है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि आपके जो फेस पर फेशियल हेयर्स पतले पतले बाल जितने भी हैं, जितनी भी दाढ़ी है उसको पहले पूरा सेव कर ले। आपको पता है कि मेरी दाढ़ी कितनी है उसको पूरा क्लीन कर ले, सेविंग कर ले, जिसके बाद आप मिनोक्सिल का यूज़ कंटिन्यू कर सकते हैं। रोज़ आप ड्रॉपर से ड्रॉप कर सकते हैं, हाथों से लगा सकते हैं, कैसी भी लगाए, लेकिन मिनोक्सिल को लगाने के बाद आपको 1-2 मिनट तक मसाज करना होता है, जिससे कि जो स्किन का होल्स है उसके अंदर मिनोक्सिल पहुंच जाए। जैसे मिनोक्सिल आपकी स्किन के अंदर पहुंचेगा तो वो अपना काम करना चालू कर देगा, हेयर्स की ग्रोथ करनी चालू कर देगा। तो आप अगर ये सोचें कि यार 1 महीने में 2 महीने में 3 महीने में कब कितनी दाढ़ी ग्रोथ होती है, आपकी जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उतनी आपकी ज़्यादा टाइम लगाएगी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपके ऑलरेडी फेस पर पतले पतले बाल हैं तो उनको सिर्फ मोटा होने के लिए ही टाइम लगेगा। अगर आपके फेस पर बिल्कुल भी बाल नहीं है तो उसकी ग्रोथ स्टार्टिंग से होगी, पहले तो पतले पतले बाल आएंगे, फिर उसके बाद थोड़े से मोटे बाल होंगे, फिर उसके बाद आपकी दाढ़ी पूरी घनी होगी। इस तरीके से ट्रीटमेंट्स वर्क करते हैं। अगर आप ये सोचें, बहुत से लोग कमेंट्स भी करते हैं कि सडनली पूरी बियर्ड ग्रोथ हो जाए, तो आप पहले सोचें कि आपकी बियर्ड में कितनी प्रॉब्लम है। अगर ऑलरेडी उसमें बियर्ड के हेयर्स है लेकिन आपकी पैची बियर्ड है तो उसको भरने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 महीने में वो बियर्ड हेयर्स भर जाएंगे। लेकिन अगर आपके फेस पर एक भी बाल नहीं है और आप उसके बाद ट्रीटमेंट्स करना चाहते हो तो कम से कम 5 से 6 महीने प्रॉपर लग जाएंगे बियर्ड ग्रोथ होने में। तो आप मिनोक्सिल का यूज़ कर सकते हैं बियर्ड ग्रोथ होने में, साथ में आप रिजल्ट भी साथ में देखें, आपके हर दिन के फोटो आप उसको खींचे, सेल्फी ले, फोटो खिंचाए, साथ में आपको पता चले आज मेरी बियर्ड पर कितना इफेक्ट हो रहा है, आज मेरी बियर्ड के हेयर्स बाकी में बढ़े हैं या फिर नहीं बढ़े हैं। तो इस तरीके से आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं, खुद भी आपका रिजल्ट लाइव देख सकते हैं कि आज मैंने मिनोक्सिल यूज़ किया, कल यूज़ किया, 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मेरे बाल कितने बढ़ रहे हैं, कितने बाल नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन जो मिनोक्सिल होता है वो 2 महीने में आपकी जो भी दाढ़ी की समस्या, जो भी दाढ़ी की प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन वो कर देता है। तो आप भी मिनोक्सिल यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट मिनोक्सिल कौन सा होता है मैंने उसके ऊपर वीडियोस वगैरह बना रखे, कैसे यूज़ कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। आप ड्रॉपर से ड्रॉप कर सकते हैं, हाथों से लगा सकते हैं, 1 से 2 मिनट तक मसाज कर सकते हैं। ओनली नाइट में लगाना है, हफ्ते में 2 बार लगाना है, 3 बार लगाना है, आपको एवरीडे नहीं लगाना है क्योंकि उसमें केमिकल ज़्यादा होता है जो कि नुकसान करता है, ये बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। और एक बात आप हमेशा याद रखें, जिस किसी की भी एज 18 साल से कम है वो मिनोक्सिल से बिल्कुल भी हाथ ना लगाए, अगर वो 18 से ऊपर है तो वो बिल्कुल यूज़ कर सकता है। इस बात की गारंटी मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि अगर आप 18 से कम हैं तो आपको नुकसान होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपको अभी ट्रीटमेंट्स नहीं करना चाहिए, खास करके मिनोक्सिल यूज़ नहीं करना चाहिए। तो इस बात पर गौर करके आप मिनोक्सिल को यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर एंड बियर्ड ग्रोथ ट्रीटमेंट आप खुद लाइव देख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप खुद लाइव देख सकते हैं, बारे में वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। बाकी इंफॉर्मेशन आप मुझसे कमेंट में ले सकते हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो आइए, भी वीडियो आपको अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन।